बहुत घना पेड़ था ये, है ना, लेकिन पता नहीं ये कैसे गिर गया। मे भी इस कारण से कि इसकी जड़ें हैं वो नहीं फैल पाई। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो हेलो इंडिया, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग, है ना। तो मैं जानता हूँ बहुत टाइम बाद हमारा ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे पेपर चल रहे थे। पेपर ख़त्म होने के बाद कुछ मतलब अपने पर्सनल काम में लग गया, लेकिन मेरे जो शॉर्ट्स वाला चैनल है जिस पर फैक्ट्स आते हैं उस पर तो वीडियो आ रही थी, है ना, क्योंकि छोटी वीडियो बनाना उतना मतलब क्रिटिकल नहीं होता और उतना टाइम नहीं लगता उसमें, लेकिन ब्लॉग है तो ब्लॉग तो टाइम लगता है उसमें, है ना, कुछ अच्छा कंटेंट देखकर बनाना पड़ता है। आज की वीडियो में हम जाएंगे पहलवान बाबा मंदिर, सिद्ध धाम मंदिर सागर की। मैंने आपको पहले अपनी जो फर्स्ट वीडियो आई थी इस चैनल की अटल पार्क वाली, उसमें बताया था कि मैं एक दिन पहलवान बाबा मंदिर का फुल व्लॉग लेकर आऊँगा, पूरा घुमाऊँगा। तो और अगर वो नहीं देखी आपने वीडियो तो मैं लिंक दे दूँगा उसकी डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर आई बटन में भी आ रही होगी, तो आप देख लीजिएगा। तो अभी मैं हो गया हूँ तैयार, अभी जो अन्नू भाई हैं वो तैयार हो रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर में हम निकलेंगे मंदिर के लिए। आप बने रहिए व्लॉग में, बहुत मज़ा आएगा। गाइस हाय गाइस, सृजन है ना, ये हमारे साथ मंदिर तो नहीं चल रहे हैं क्योंकि इनका कल स्कूल का कुछ वर्क है तो वो करना है, लेकिन हमारे साथ ये अनु भाई हैं, ये जा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ये साथ में चल रहे हैं, तो इनको मतलब अभी काम करने देते, डिस्टर्ब नहीं करते। नेक्स्ट किसी ब्लॉग में अगर इनके पास टाइम होगा तो बिल्कुल आएंगे, है ना। तो अभी काम कर लो, मिल रहा है, चैलेंज करना है, आओ चैलेंज, आप कमेंट करें, चैलेंज करें, ये बहुत चैलेंज नहीं कर रहे। तुम्हारे पास अब टाइम मतलब बताइए, चलिए हम चलते हैं। गाइस अन्नू भाई कैमरे को पीठ दिखा के भाग रहे थे, हम लोग निकल गए, ये भी जल्दी तैयार हो गए थे ना, बाजार गए थे, इसलिए हम लोग थोड़े से लेट हो गए, नहीं तो और जल्दी जाते, है ना। तो अभी हम चलते हैं और आप बने रहिए। सो गाइस ये देखिए हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, है ना। अभी अन्नू भाई लेंगे यहाँ से प्रसाद और फिर हम लोग करेंगे दर्शन और आपको कराएंगे पूरे मंदिर का टूर। तो गाइस अन्नु भाई ने ये प्रसाद ले लिया था, है ना, अभी हम लोग करेंगे दर्शन और आप कराएंगे सब जगह का टूर, है ना। और ये देखिए कुछ नहीं, ये पीछे आप देख रहे हैं ये हर टाइप का बना है, मैं तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा था उस कारण से बना है, अभी मतलब ये ऐसे बना दिया, अभी शायद निकल जाएगा कुछ दिनों में। सो गाइस ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ का मेन मंदिर है हनुमान जी का, जिनके नाम पर ये मंदिर है पहलवान बाबा मंदिर, है ना। और यहाँ तो मैंने बताया, चलिए आगे चलते हैं। गाइस ये देखिए ये मंदिर जो है नया बना है, यहाँ पर कुछ ही समय पहले बना है, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है ना, अभी आरती चल रही है यहाँ की, यहाँ पर मतलब केवल जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं तक आने देते हैं, इसके ऊपर नहीं जाने देते हैं भक्तजनों को। गाइस ये देवी जी का मंदिर है यहाँ पर, है ना। गाइस ये भगवान काल भैरव का मंदिर, अभी कुछ समय पहले यहाँ सागर में बहुत तेज आंधी चली थी, शायद उसी कारण से ये पेड़ यहाँ पर ये गिर गया है, बहुत घना पेड़ था ये, है ना, लेकिन पता नहीं ये कैसे गिर गया, मे भी इस कारण से कि इसकी जो जड़ें हैं वो नहीं फैल पाई, है ना। गाइस ये है यहाँ का शंकर जी का मंदिर, है ना, ये यहाँ का शंकर जी का मंदिर है। तो गाइस अभी हम लोग आगे चलते हैं और आपको बाकी मंदिर भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये लग रहे हैं, अभी ये मंदिर का और विकास हो रहा है क्योंकि होना भी चाहिए, है ना। गाइस ये है गणेश जी का मंदिर, यहाँ पर राम जी हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और भी बाकी सारे भगवान हैं। गाइस ये है यहाँ का छोटा सा भगवान नरसिंह का मंदिर। गाइस ये है भगवान परशुराम का मंदिर। फ्रेंड्स ये है शनिदेव का मंदिर जो कि फ़िलहाल बंद है। गाइस ये है बाबा गादगे का मंदिर, है ना। गाइस अभी हम जाएंगे राधा कृष्ण के मंदिर, जो कि इस पूरे मंदिर का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा मंदिर से हम कह सकते हैं, है ना। अभी हम चलते हैं यहाँ पर। गाइस ये है राधा कृष्ण का मंदिर, है ना, और आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा मंदिर दिखाई देता है। गाइस आप लोग ये जो जगह देख रहे हैं ये पूरी जगह, है ना, हम लोग मतलब जब सभी दोस्त फ्री होते थे अपने गली के और बाकी सारे दोस्त, तो यहाँ पर पिकनिक के लिए आते थे, है ना। बहुत टाइम से हम सब की मतलब पढ़ाई के कारण और बिज़ी होने लगे, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर आ नहीं पाए। यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, मतलब ये पूरा एक जंगल टाइप का लगता था, है ना, लेकिन अभी तो यहाँ पर बहुत कम हो गए हैं, शायद गर्मी के कारण या फिर पता नहीं किस कारण बहुत कम हो गए हैं पेड़ पौधे, मंदिर की आरती होने लगी है। गाइस इसे देखिए, ये इस मंदिर की नई मेंबर हैं, यहाँ के जो पंडित जी हैं मेन पंडित जी उनकी है ये, है ना, काफ़ी प्यारी है। सो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं मोमोज़, है ना, मोमोज़ खाएंगे फिर घर जाएंगे हम।
सो गाइस मैं घर पर आ गया हूँ और ये है सेकेंड डे। ब्लॉग कल बन चुका है, मैं एंड नहीं कर पाया था तो एंड आज कर रहा हूँ मैं इस ब्लॉग का। तो आपने देखा हमारे शहर का पहलवान बाबा मंदिर, आपको मैंने पूरा टूर कराया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रा मिस्टेक हो गई कि मतलब कहीं कहीं की जो मतलब मुझसे टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण वीडियो नहीं बन पाई थी, लेकिन थोड़ी सी जगह रह गई थी मंदिर की जो नहीं दिखा पाया। मैक्सिमम जगह मैंने आपको दिखा दी थी, अगर हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आपको बता दूंगा। ये था हमारा व्लॉग। अब व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में।